और विवादों से उनका पुराना नाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में उन्होंने अपशब्द का प्रयोग करते हुए नेताओं की बहु बेटियों को अपने पास भेजने को कहा कि जिसे मेरी लिंग के खड़े होने पर संदेह हो वो अपने घर से बेटियों को भेज दे। उनके इस बयान के बाद उन्होंने बवाल उठता देख माफी में मांगी, पर उनके विवादित बोल से सर्व संत समाज में उनके खिलाफ आक्रोश फैल गया है और जिले के संतों ने समाजवादी नेता नवाब सिंह यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। राजू महंत मुर्दाबाद, राजू महंत मुर्दाबाद, राजू महंत होश में आओ। उसका हम विरोध करते हैं। दूसरा, कल बहन बेटियों के लिए एक संत ने जो बोला है वो निंदनीय है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ FIR कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह का प्रदर्शन आज ये? राजू महंत जी ने पहले समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव पे टिप्पणी की गलत, हम लोग उसका भी विरोध करते हैं। कल जो उनकी टिप्पणी आई बहन बेटियों पर, हम साधु हमारे लिए भगवान के समान होते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, भगवान का स्वरूप संतों में देखते हैं, लेकिन राजू ने ये क्या कह दिया जिससे संतों में उबाल आ गया और संत परेशान हैं, इनकी मर्यादा तार तार हो गई। लोग इन पे कमेंट करते हैं कि बाबा कामी कब से हो गए, बाबा तो संत होता था, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाव, धैर्य धना ही साधुवा। फल वृक्ष कबहू फल न बकाए, नदी न संचय नीर, परमारथ के कार में साधु धरा शरीर। ये आचरण साधु का होता है। महात्मा साधु, महात्मा की संधि विच्छेद करो, महाधन आत्मा दम महात्मा बनता है, महान होता है। लेकिन साधु ये राजू महंत, ये आसाराम बापू और रहीम राम रहीम प्रवृत्ति वाला बाबा है जिसने संत समाज को शर्मिंदा किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ये संत समाज सड़कों पर उतरेगा और हम इसका समर्थन करेंगे। क्या नाम है आपका? है? हमारा राम रामवृक्ष है। किस तरह का विरोध है ये आपने? ये विरोध है, जैसे हम सारे संत हैं तो मेरा काम है सत्य बोलना, गरीबों की रक्षा करना, माँ बेटियों की इज्जत को बनाना, साधना करना, भजन ध्यान करना, ना कि मुझे किसी भी व्यक्ति पर टिप्पणी करें, किसी को अपमानित करें, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। आज जैसे एक तालाब में एक मछली गंदी होती है, उस तरीके से राजू महंत ने मेरी सारी संत समाज को गंदा कर दिया है। जो अपशब्द मान लो किसी बड़े राजनेता के लिए बोले, उसके बाद आज मैं माँ बेटियों के लिए बोल रहे हैं, अपनी एक परीक्षण कराने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ये संत के लक्षण नहीं है। संत को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, संत को सादे भाव धैर्य रखना चाहिए, धर्म के चलना चाहिए। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है जब जो भी गलत करता है उसके साथ जो संविधान के तहत पर सजा मिलती है वो मिलनी चाहिए राजू महंत को भी। जैसे आसाराम बापू गलत बोले, राम रहीम ने गलत किया, अन्य संत जो जेल में पड़े हुए हैं उसी तरीके से यदि इनकी जांच कही जाए, यदि इन्होंने गलत किया है तो इनको सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। इनकी धार्मिक भावना भी आहत हुई है। हाँ, धर्म में बहुत आहत हुआ है भाई साहब। आप जाइए जिस तालाब की मछली गंदी थी, कोई खरीदता नहीं है, तो हम संतों की इज्जत कौन करेगा? कौन करेगा? जो एक अयोध्या राम जन्म में बैठे हुए संत, कोई मथुरा में बैठे संत, बड़े बड़े आश्रम के संत ऐसे बोलेंगे तो हम लोग तो सड़कों पे मारे जाएंगे। हम लोगों को जाने क्या है? क्या है?